2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वादा था कि देश की जनता के लिए 2 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएंगे, लेकिन 7 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने हाल में ही कुछ आंकड़े इकट्ठा किए जिनसे पता चलता है वे घर जहां 2 कमाने वाले लोग हैं, ऐसे घरों की संख्या पिछले 5 सालों में कम हुई है। जनवरी 2016 में ये 37% थे, जो नवंबर 2021 में घटकर 24% रह गए हैं। साथ ही ऐसे परिवारों की संख्या 57% से बढ़कर 68% हो गई है जिनमें सिर्फ 1 सदस्य काम करता है, जबकि ऐसे परिवार जिनमें 1 भी सदस्य के पास रोजगार नहीं है उनकी संख्या पिछले 5 सालों में 6% से बढ़कर 8% हो गई है। इन तीनों रुझानों को एक साथ देखने से पता चलता है कि भारत की आम जनता किस तरह के आर्थिक संकट से जूझ रही है। ये संकट कितना गहरा है इसका पता CMIE के इस आंकड़े से पता चलता है, जो कि है जून 2021 में भारत में औसत आय महज 15,000 रुपए थी। इस सब के बावजूद मोदी सरकार के पास इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, बल्कि सरकार तो चुनाव प्रचार और हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में मशरूफ है। प्रधानमंत्री मोदी, जो किसी जमाने में रोजगार के वादे करते थकते न थे, आज इसका जिक्र तक भी नहीं करते। इन आंकड़ों का मायने क्या है, आइए समझते हैं। पहला, श्रम भागीदारी दर में गिरावट। हर परिवार में रोजगार प्राप्त सदस्यों की संख्या कम होने से समझ आता है कि क्यों भारत में श्रम भागीदारी का दर या WPR में गिरावट दिख रही है। श्रम भागीदारी दर का मतलब है काम करने लायक जनसंख्या का वह हिस्सा जो सक्रिय तौर से श्रम बाजार में शामिल हो। नवंबर 2021 में भारत का WPR 40.2% था, जो जनवरी 2016 में 44.9% के मुकाबले कम था। मौजूदा दौर में भारत उन देशों में से एक है जहां WPR सबसे कम है। हालांकि यह कड़वा सच बेरोजगारी दर से जाहिर नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों का आंकड़ा रखती है जो काम करना चाहते हैं। इनके बावजूद पिछले 3 सालों में भारत में बेरोजगारी दर 7% के आसपास बनी हुई है, जो इससे पहले के 5-6% के औसत दर से ज्यादा है। जाहिर है काम करने लायक आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार न होने से इतना हताश हो गया है कि वो श्रम बल यानी लेबर फोर्स से ही बाहर निकल गया है। दूसरा पॉइंट, ज्यादातर रोजगार खेती पर निर्भर। इसका एक और नतीजा यह है कि ग्रामीण इलाके में काम करने योग्य आबादी का ज्यादातर हिस्सा खेती से जुड़े रोजगार पर निर्भर हो गया है, और जिससे इस क्षेत्र पर बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि खेती से होने वाली आय इसके मुकाबले में नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है कि पहले जितनी आय ही अब ज्यादा लोगों में बट रही है। शहरी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रोजगार की कमी ने कई लोगों के लिए पलायन का रास्ता बंद कर दिया है। इसलिए मार्च 2020 में लगे पहले लॉकडाउन के दौरान जो लोग पैदल चलकर अपने गांव जाने पर मजबूर हुए थे, उनका एक बड़ा हिस्सा वापस शहर नहीं आया है। इन लोगों के बीच या तो खेती से जुड़े रोजगार बट रहे हैं, या इन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कुछ दिन काम मिल रहा है। साल 2017 और 18 में 7.6 करोड़ लोगों ने मनरेगा में कुछ रोजगार पाया था, जो साल 2020 और 21 में 11.9 करोड़ हुआ, और 2021-22 में दिसंबर के अंत तक ही 9.34 करोड़ हो चुका है। लेकिन कम मजदूरी भुगतान में देरी और अनियमित काम से यह योजना भी जूझ रही है। देश में आर्थिक संकट कितना गहरा है उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि लोग कोविड महामारी के दौर में भी इन बर्बर परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट, बिना रोजगार वाले परिवारों की संख्या बढ़ी। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, ऐसे परिवार जिनमें किसी के पास रोजगार नहीं है उनकी संख्या देश में 6.3% से बढ़कर 8% हो चुकी है अप्रैल 2020 यानी
सख्त लॉकडाउन के पहले महीने में तो यह आंकड़ा 33% हो गया था। जाहिर है ये वो परिवार हैं जो बेहद कमजोर हैं और जिन्हें तुरंत सरकारी मदद की जरूरत है। हालांकि महामारी में उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त मुफ्त राशन बांटने से इन परिवारों की मदद हुई होगी, लेकिन यह काफी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, कपड़े, ईंधन आदि। क्या इसका राजनीतिक असर होगा? हाल के सालों में भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक संकट, खासतौर पर नौकरी संकट को संभालने में पूरी असफलता ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा साबित हुई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जनता के मन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही था। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त के साथ यह असहमति बढ़ती जा रही है। इसका नजारा एक साल तक चले किसान आंदोलन और पिछले सालों में हुई मजदूरों कर्मचारियों के आंदोलन में भी दिखने को मिला। जनता अपनी कमाई या न्यूनतम सुविधाओं को भी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है और जो थोड़ी बहुत कमाई है उसे भी खत्म कर रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह असहमति आगामी विधानसभा चुनावों के मतदान में अहम साबित हो पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा।